एक गांव में एक सुमिता नाम की लड़की रहती थी। ऐसे तो सुमिता बड़े ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। सुमिता की माँ इधर उधर से पैसे इकट्ठा करके घर का खर्चा चलाती थी। एक दिन सुमिता के पड़ोस में एक आदमी आता है जिसका नाम धनिया रहता है। धनिया बहुत ही चंचल स्वभाव का व्यक्ति रहता है। एक दिन धनिया सुमिता के घर आती है। और बहन जी कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया, आपको तो पता ही है कि हमारी पति के देहांत के बाद अब सारा जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही आ गई है। उसमें भी आप मेरी बेटी है, उसकी पढ़ाई लिखाई आगे पूरी करानी है। बहन जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ लोगों की मदद ही करता हूँ। मुझे पता चला कि आपके पति नहीं है तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे थोड़ा बातचीत करूं। और वैसे भी मैं बहुत सारा पैसे कमाता हूं। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी लड़की की पढ़ाई पूरी की पूरी होगी। जब इस बात को सुमिता के माँ सुनती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, अरे नहीं भैया, आप ये कैसी बात बोल रही है, मैं कैसे आपका कर्ज चुकाऊंगी। अरे बहन जी, इसमें कर्ज चुकाने की क्या बात है, अपने ही तो अपने के काम आते हैं। और वैसे भी मैं आपके पड़ोस में रहने के लिए आया हूँ, तो एक दो दिन के लिए थोड़ी आया हूँ। आप यहाँ पर मैं रहूँगा कुछ दिन। और ऐसे भी बहन जी, सुमिता केवल आपकी बेटी थोड़ी ही है, मेरी भी तो भतीजी लगेगी। इस तरह धनिया अपने अच्छाइयों को दिखाने लगता है। सुमिता की माँ भी समझ में नहीं पाती कि धनिया एक नंबर का दरिंदा किस्म का आदमी है। एक दिन, ओ सुमिता बेटा कैसी हो तुम, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? अंकल जी बहुत ही अच्छी चल रही है पढ़ाई लिखाई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी जो आपने मेरी फीस जमा कराई। अरे पगली, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, अपने ही तो अपने के काम आते हैं। इस तरह धनिया रूबी के दिल में और रूबी के माँ के दिल में अपने लिए जगह बना लेता है। धीरे धीरे समय जो है वो गुजरता जाता है। एक दिन सुमिता अपनी चाचा धनिया के पास जाती है। अंकल जी मेरे स्कूल में फीस लगा है और मेरे माँ के पास 2000 रुपए थे, 1000 रुपए कम पड़ा है, तो चाचा जी 1000 अगर आप दे देते तो मैं अपनी फीस जमा कर पाती। हाँ हाँ सुमिता बेटा, इसमें घबराने की क्या जरूरत है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। और ये कहकर वो पैसे लेने जाता है। फिर आकर बोलता है, अरे सुमिता बेटा मैंने सोचा कि मेरे पास पैसे होंगे, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। एक काम करो सुमिता बेटा, तुम अभी कॉलेज जाओगी ना, तो उधर चलो, मैं वही पे तुम्हें पैसे दे दूंगा। और ये कहकर धनिया सुमिता को लेकर एक होटल में जाता है और बोलता है, सुमिता बेटा तुम यहाँ पर रुको, मैं काउंटर से पैसे लेकर आता हूँ। और ये कहकर धनिया वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे में एक आदमी आता है। सुमिता उसे देखकर बोलती है, अंकल जी आप कौन है? ओए पागल लड़की, तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा अंकल दिख रहा हूँ। अंकल जी आप तो अंकल जी ही है ना? अरे चुप, तेरा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। ओए लड़की, मैं यहाँ पर अंकल बंकल नहीं बनने आया हूँ, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मेरे साथ वो काम कर फटाफट। कौन सा काम करने आया है आप? अरे तेरे को नहीं पता कौन सा काम करने आया हूँ मैं? अरे पगली, मैं पूरे पैसे दिया हूँ, पैसे पूरे 50,000 रुपए, अब चल मेरा काम कर फटाफट। सुमिता इस बात को समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सा काम ये आदमी करने के लिए बोल रहा है। तभी सुमिता बोलती है, अंकल जी आप पागल हैं? आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप कौन सा काम करेंगे यहाँ पे, झाड़ू पोछा करेंगे क्या आप? ओए पागल लड़की, सचमुच तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मैंने पैसे देकर तुझे खरीदा हूँ, खरीदा, और पूरे वो भी 2 घंटे के लिए, अब 2 घंटे तक मुझे खुश कर, समझी कि नहीं? सुमिता जब इस बात को सुनती है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये आदमी क्या बोल रहा है। तभी वो बोलती है, अंकल जी आपको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं तो यहाँ पे धनिया चाचा के साथ आई हूँ और चाचा तो अभी काउंटर पे गई पैसे लेने के लिए। हाँ मुझे पता है, धनिया ही मुझसे पैसे लिए है और धनिया ही तुम्हें बेचे है हमारे हाथ में, और अब खुश कर लड़की, ज्यादा नाटक मत कर। और ये कहकर वो आदमी उस लड़की के साथ बदतमीजी करता है, और वो सब करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग।
या सब खुल के समझाऊं? सुमिता को अब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो किस दंगल में फंस गई है। सुमिता की माँ इधर सुमिता की इंतजार करती रहती है, परंतु सुमिता नहीं आती। तभी धनिया सुमिता के माँ के पास जाता है। क्या हुआ बहन जी, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। हाँ भैया जी, पता नहीं कहाँ सुमिता चली गई है। शाम हो गई, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। अरे हो सकता है अपने दोस्तों के साथ चली गई कहीं घूमने फिरने। आपको तो पता ही होता है, आजकल की कॉलेज के लड़के लड़कियाँ होते हैं, वो इधर उधर टूर में भी जाया करते हैं। नहीं भैया, आज तक जहाँ भी सुमिता गई है मुझसे बता के जाती है, और आज उसने फीस भी लेकर गई है। आपका पास भी तो आई थी, क्या हुआ था? हाँ बहन जी, सुबह तो सुमिता आई थी और मुझसे 1000 रुपए लेकर गई, बोली कि 3000 रुपए फीस लगेगी। हाँ भैया जी, लेकिन कहाँ गई है? मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ। बहन जी आप टेंशन मत लीजिए, वो कहीं पर भी होगी तो आ ही जाएगी, वो बच्ची थोड़ी है, वो अब बड़ी हो गई है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ये कहकर धनिया वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसकी माँ सोचती है कि एक बार पुलिस चौकी में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा देती हूँ, पुलिस वाले जो है वो जरूर हमारे मदद करेंगे। और ये सोचकर सुमिता की माँ पुलिस चौकी में जाती है। साहब हमारी मदद करे, हमारी बेटी सुबह कॉलेज गई और फिर घर वापस नहीं आई है। तभी पुलिस वाला बोलता है, आप घबराइए मत बहन जी, आजकल के लड़के लड़की थोड़े शरारती होते हैं, हो सके अपने दोस्तों के घर गई होगी। नहीं साहब, मेरे सुमिता ऐसा नहीं है, वो जहाँ भी जाती है बता कर जाती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं बताया उसने। अच्छा अच्छा, यहाँ पर फोटो रख के जाइए, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुमिता की माँ वहाँ पर फोटो रख कर अपने घर चली जाती है और बहुत ज्यादा परेशान होती है। और इधर सुमिता एक दंगल में फंसती जाती है, और एक दिन सुमिता मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है और भाग कर सीधा अपने घर आती है, और मौका पाकर अपनी माँ को सब खुल के बताती है। तभी उसकी माँ उसे लेकर पुलिस चौकी जाती है। पुलिस वाला उससे बोलता है, सुमिता बेटा तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, तुम्हारा सब खुलकर बताओ ताकि हम तुम्हारी पूरी मदद कर सके। सुमिता पूरा बात बताती है शुरू से लेकर लास्ट तक। तभी पुलिस वाला बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, आप यहाँ से जाइए, मैं उसे पकड़कर अभी थाने लेकर आता हूँ। और ये कहकर पुलिस वाला धनिया को थाने लेकर आता है और उसे पूछताछ शुरू कर देता है। तभी धनिया बोलता है, अरे नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने तो उन्हें अपनी फैमिली की तरह मानता था, मैंने तो कई बार सुमिता की स्कूल की फीस भी जमा किया हूँ और कॉलेज का भी फीस जमा किया हूँ, मैं आज से थोड़ी वहाँ रहता हूँ, मुझे 4 साल हो गए वहाँ रहते हुए और कभी किसी पकड़ कर शिकायत नहीं आई, लेकिन ना जाने क्यों सुमिता इस बार मुझे फंसाना चाहती है। देख धनिया, ज्यादा नौटंकी मत कर, मैं सब कुछ जानता हूँ, और तेरे जैसे लोग ना यहाँ थाने में मुझे बहुत ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि आज तक जो भी क्रिमिनल आता है ना, वो कभी नहीं कहता है कि मैं गुनाह किया हूँ। और वैसे भी धनिया, आज तेरे को भी पता चल जाएगा कि हमारे 3rd डिग्री क्या होती है। और ये कहकर पुलिस वाला उसे लॉकअप पर डाल देता है। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।